हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत हैं मौजूद यहाँ पे बनारस शहर में, शेख मुफ्ती मौलाना बातिनी साहब, जो बहुत सालों से ये शहर को न सिर्फ एक धार्मिक मजहबी शक्ल में संभाल रहे हैं मगर एक सामाजिक रूप में भी बहुत ही एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। और आप ये जो बहुत एक खास मौका है ये देश के लिए, शहर के लिए, चुनाव आ रहे हैं, रमज़ान की भी शुरुआत हो रही है, तो इस वक्त शहर में माहौल कैसा है सामाजिक स्तर पे हर तबके के लिए? देखिए, माहौल तो बहुत साजगार नहीं है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर ये सरकार ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था, लेकिन उसके अंदर ये बात कही जा सकती है कि इसमें सफलता नहीं हो पाई और शहर ही नहीं सूबे बल्कि मुल्की पैमाने पर देखा जाए तो जिस कदर बदअमनी और तरह तरह के फ़िरका वाराना हालात का सामना लोगों को करना पड़ा ये किसी से पोशीदा नहीं है। और ऐसा लगता है कि कानून और यहाँ के जो रूल रेगुलेशन हैं, आईन हैं, उन सब को बालाए ताक रख कर अलग से इस माहौल को बनाने की कोशिश चल रही है तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और इसकी वजह से पूरे मुल्क के ज़्यादातर अमन पसंद आवाम जो है बहुत ही मायूसी का शिकार है। तो इस पूरे 5 साल में लोगों को जिस कदर मायूसी का सामना करना पड़ा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कभी मायूसी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बड़े मुल्की पैमाने पर भी वही बात है और खुद अपने सूबाई पैमाने पर देखा जाए तो वो भी हालात खुद इतमान नहीं सामने आए और इस मुख्तसर से अरसे में जिस कदर वाक़यात मॉब लिंचिंग के और कत्ल के और मारपीट के और तरह तरह के ऐसे हादसात सामने आए जिससे यह समझ में आ रहा है कि कानून और संविधान नाम की कोई चीज़ अब कोई माने नहीं रखती है तो ये बड़ी ही तकलीफदेह और अफसोसनाक सूरत हाल का इसको सामना है। और ज़रूरत इस बात की है कि अब हालात के अंदर अब तब्दीली लाने के लिए जिद्दोजहद और कोशिश की जाए। मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि 5 साल ये शहर ने कैसे गुजारे हैं, देश ने कैसे गुजारे हैं। मुझे याद है पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी 2006 में और आपने और ख़ास आपने और महंत वीरभद्र मिश्र जी ने काशी बनारस शहर को बिल्कुल अमन के एक बिल्कुल संभाला था, उसके बारे में आप कुछ कहिए कि वो दौर कैसा था और किस तरह आपने संभाला। ये तो स्वर्गीय प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र सिंह जी का बहुत ही मानवता और इंसानियत से भरा हुआ एक अखलाकी अमल था जिसने सारे शहर के लोगों को बड़ा ही मुतासर किया। खुद मैं भी उनके इस कामों से बहुत मुतासर हुआ, वो मेरे बहुत करीब हुए, मैं उनके बहुत करीब हुआ और हम दोनों में कुर्बत बराबर बढ़ती चली गई। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके बेटे आली जनाब डॉक्टर विशंबर नाथ मिश्र जी वो हमारे बहुत करीब है और अपने वालिद ही की तरीके से वो भी मेरे साथ शाना बशाना चल कर अमन अमान और एक दूसरे भाईचारे के जो मिशन था हमारा उसको आगे बढ़ाने में वो आज भी लगे हुए हैं। और हमें इस एतबार से देखा जाए तो हमें प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी के इस दुनिया से जाने का उतना एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल वो अपने वालिद साहब के साथ शाना बशाना चल कर उस कमी को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस ज़माने के जो हालात थे और उस ज़माने में जो सूरत हाल थी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इसी तरीके से रह पाएगा बल्कि बड़े ख़तरात थे। जब हादसा हुआ था और सीरियल बम ब्लास्ट के वाक़यात हुए थे
तो बड़े ही चारों तरफ से पूरे मुल्क में निगाह थी इस मुल्क में, बनारस शहर के ऊपर। तो हम दोनों लोग हालात को देखकर सामने आए और पूरी जिद्दोजहद की, कोशिशें की हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम तमाम लोगों की मेहनतें कारगर साबित हुई और पूरी यहाँ तो अमन अमान हुआ ही, पूरे मुल्क ही नहीं दुनिया के अंदर भी एक अच्छा मैसेज गया कि बनारस से एक अच्छी चीज़ पैदा हुई और दोनों लोगों ने मिलकर एक ऐसा निज़ाम यहाँ पे बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि दूसरे शहरों और ज़िलों के लिए, सूबों के लिए भी ये इबरत और सबक हासिल करने का एक वो बन गया। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा और मुझसे इंटरव्यू लिए, बाहर के लोग भी आए और यहाँ के मकामी नेशनल मीडिया के लोग भी आए और लोगों ने उसको अपने इस तरीके से सराहते हुए मुझसे सवाल किए, मैंने उनको जवाब दिए। तो काफ़ी ये समझ में आया कि ये जो हालात उस वक्त थे उसको कंट्रोल करने में जो कोशिश की गई तो बहुत कारगर हुई। और हमें लगता है कि अगर इसको संजीदगी से गौर करेंगे तो अगर इस चीज़ को दूसरी जगहों पे लोग इस्तेमाल करें और उसको अपने अमल के अंदर ले आवें तो उसकी वजह से अमन व अमान का बोलबाला हो सकता है। और नफ़रत की जो राजनीति इस वक्त चल रही है और ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरत इस बात की है कि उन सब चीज़ों से इबरत और नसीहत हासिल करें। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया मौलाना मुफ्ती साहब की जो धर्मगुरु होते हैं, मज़हब के आगे मतलब समझने वाले होते हैं, उनको ये पहल लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के ज़माने में ये हो रहा है अभी भी कि आपस में एक भाईचारा, आपस में एक बातचीत, आपस में एक डायलॉग अलग अलग धर्मगुरुओं के बीच में हो रहा है क्या? तो लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरीके की ये कोशिश चल रही हो, हालांकि इस बात की सख्त ज़रूरत है। हम तो बनारस में अपने तौर पर कोशिश करते रहते हैं और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि और भी जैन मज़हब के लोग हैं और बुद्धिस्ट हैं और सिख हैं और ईसाई हैं। ये बनारस तो ऐसा शहर है कि हर मज़हब के लोग ही यहाँ एक ज़माने से ज़िंदगी गुजारते रहते, तो हमारा प्रोग्राम आए दिन कभी हमारे यहाँ होता है, कभी मैत्री भवन यहाँ पे भेलूपोर में है तो वहाँ से भी बुलावा आता रहता है, और कभी कहीं कभी कहीं, तो इस तरीके का प्रोग्राम हम बनारस में आए दिन करते रहते हैं ताकि ये मैसेज पूरी दुनिया में बराबर आम होता रहे और लोगों को ये लगना चाहिए कि जब तक जितने भी मज़हब के धर्म गुरु हैं वो सब मिलजुल कर जब कोई प्लानिंग और कोई रणनीति नहीं तैयार करेंगे तब तक ये अमन अमान और भाईचारे का पैगाम नहीं पहुँच सकता। और इसकी वजह यह है कि जितने भी मज़हब हैं हर मज़हब अमन अमान और प्यार मोहब्बत की ही तालीम देता है। ऐसे में तमाम मज़हब के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि बैठ कर और सच्चाई के साथ और नेक नियती के साथ इसके ऐसे प्रोग्राम बनाएं और इस तरीके की ऐसी कोशिश करें कि ये अपने अपने मज़हब की जो तालीमात है सिर्फ किताबों के अंदर बंद ना रहे बल्कि समाज के अंदर भी ये वायरल हो, ये बहुत ज़रूरी है। सर हाल में दो तीन महीने में देखिए तो ज्ञानवापी मस्जिद और ये शिव विश्वनाथ मंदिर का मसला वापस एक तरह से उभर के आया है क्योंकि ये कॉरिडोर बनाने के चक्कर में गली गलियों को कि पुराने पुराने मंदिरों को गिराने का काम और एक सफाया जिस तरह का किया गया और एक पूरा मंदिर पुराना मस्जिद जो हमारा ज्ञानवापी का है उसको एक तरह का एक्सपोज किया गया है, क्या इस मिसाल को लेकर कुछ तरह की फिक्र डर है माइनॉरिटी में कि कुछ अचानक हो जाएगा, प्रशासन सावधान नहीं रहेगा? या ये तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा कैंपस है उस कैंपस में कोई नया काम करने अलाउ नहीं है। कोर्ट का जैसा कि फैसला भी है कि पूरे कैंपस के अंदर जो परिसर कहलाता है, उनके कागज़ों में परिसर का लफ्ज़ लिखा हुआ है जिसको हम कैंपस कह रहे हैं, उर्दू में एहाता कहते हैं, तो उसमें ये बात लिखी हुई है बाकायदा, कोर्ट का फैसला है कि कोई नया काम कभी उसमें नहीं होगा। और अगर किसी को भी कुछ नया करने की ज़रूरत भी पड़े तो मंदिर प्रशासन, मस्जिद प्रशासन और ज़िला प्रशासन तीनों लोगों के आपसी सहमति के बाद ही कोई नया काम हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने जो कॉरिडोर बनाया पहले तो उसमें किसी से सहमति नहीं ली तो कानून एक तरह से तोड़ा गया और उस
उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि इसकी जो आदमी भी खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे कोई भी हो, तो उसको खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है। आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा वो खटखटा सकता है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो बहरहाल जब ऐसा हुआ, पहले तो हम लोगों ने मकामी तौर पर जो ज़िला प्रशासन में और सारे लोगों को कोशिश की, भाग दौड़ किया, जिद्दोजहद की, लेकिन जब कोई कामयाबी नहीं हुई तो वकीलों से मशवरा करने के बाद और जो पुराने फैसले थे उनको सामने करने के बाद तब ये बात सामने आई कि नहीं, इसका हल सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और कहीं कोई कुछ नहीं है। हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहाँ पे ये कहकर हम लोगों की याचिका खारिज कर दी गई कि सिर्फ शक शुबह की बुनियाद पर ये कोई वो नहीं लिया जा सकता और कोई मुकदमा नहीं फाइल किया जा सकता, हम नहीं ले सकते, और जाइए और आपकी मस्जिद बिल्कुल सेफ रहेगी, एक परिंदा पर नहीं मार पाएगा और ऐसा होगा वैसा होगा। तो चले आए लोग, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोई इस तरीके का कोई बड़ा कोई वाकया होता है या कोई ऐसी कोई चीज़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट आपके बात को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ शक और शुबे की बुनियाद पर कोई वो नहीं। तो उसके बाद फिर चूँकि भाई फैसला तरीके से उनके हक में था और मन उनका बढ़ा और काम करते रहे, उसमें ये भी नहीं देखा गया कि खुद उन्हीं के कितने मंदिरों को इतना नुकसान पहुंचा, जैसा कि अभी आपकी गुफ्तगू से भी महसूस हुआ मुझे कि काफ़ी मंदिरों को नुकसान, और फिर मैंने भी अपने तौर पे यहाँ जो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई तो हमने देखा कि बड़े बड़े मंदिरों के महंत बैठक धरने पर बैठ गए और ये कहने लगे कि भाई इतने मंदिरों को तोड़ा गया और ये मूर्तियाँ कहाँ गई और ये क्या हुआ, लेकिन कभी किसी ने उनको मुतमईन करने की कोशिश नहीं की और आज भी उनको शिकायत है। और फिर मस्जिद का जो इस वक्त सूरत हाल इस वक्त हो गई है, तो वाकईतन ये देख कर ऐसा लगता है कि आइंदा ये मस्जिद ख़तरे ही के अंदर है और उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा है, ये सूरत हाल है। हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मस्जिद की भी हिफाजत फरमाए, पूरे शहर की हिफाजत फरमाए और इस शहर को अमन अमान का गहवारा बना दे। हम तो यही, जहाँ तक उनके कॉरिडोर की बात है तो हम उनके कॉरिडोर के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमें मसला हमारा सिर्फ ये है कि हमारी मस्जिद सेफ रहनी चाहिए। वो उनकी कॉरिडोर है और उनका ये है और उनकी पूजा पाठ है और ये हो, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं, हमने कॉरिडोर की कभी मुखालफत नहीं की, बस ये हमारा मसला ये कि हमारी मस्जिद महफूज होनी चाहिए और जो कानून जो एक फैसला है कोर्ट का फैसला है उस फैसले का पालन होना चाहिए, हमारी शिकायत होती है। आखिरी सवाल मुफ्ती साहब की, आपने जिक्र किया कि 2006 में जब ये बहुत बड़ी घटना हुई थी संकट मोचन मंदिर पे, तो मीडिया ने एक बहुत अच्छा रोल अदा किया था, तो आज पत्रकारिता में इसी तरह का रोल आप देख फरमा रहे हैं? हमें महसूस नहीं हो रहा है, हमें अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मीडिया का जो रोल उस जमाने में था आज वो रोल नहीं है, और बड़े अफसोस की बात है। ये मीडिया जो कि किसी जमहूरी मुल्क में ये बहुत ही एक बुनियादी खंभे की हैसियत रखता है, तो उसके बगैर जमहूरियत का तसव्वुर नामुमकिन है, लेकिन अफसोस कि वो मीडिया आज ऐसे रोल अदा कर रहा है कि जिससे हर खास व आम ये कहने पर मजबूर है कि अब जमहूरियत ख़तरे में है। तो ये मीडिया का ये रवैया इस वक्त जो चल रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक और काबिले इस्लाह है, लोगों को इसकी इस्लाह करनी चाहिए। यहाँ पे आप शहर मुफ्ती कितने सालों से हैं सर, थोड़ा सा इतिहास आपका ये शहर का ये मस्जिद का पता है? देखिए सन 1927 में जामा मस्जिद ज्ञानवापी में कुछ लोग जुमा के इमाम हुआ करते थे 27 से पहले, और उससे पहले की तो कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि कब कब कौन इमाम हुआ, लेकिन दो तीन लोगों का नाम आता है। सबसे आखिर में एक मौलाना मोहम्मद इकराम साहब थे, तो वो ज्ञानवापी मस्जिद के जुमा के इमाम हुआ करते थे। उनकी
वफात जब हो गई तो वो जुमे की नमाज की जगह खाली हुई, तो उस जमाने के लोगों ने ज़रूरत महसूस की कि भाई ये इमाम होना चाहिए। उस ज़माने में बनारस में उतनी ना आबादी थी और ना इस तरीके के कोई ऐसा मामला था। करते करते बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दी कि भाई हम भी ज़रूरतमंद हैं, हमें भी इमामत के लिए रखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम मज़हब में इमामत की तनख्वाह लेना जायज़ है। जैसे आदमी पढ़ाता है, टीचर है, तो इसी तरीके से इमाम को भी तनख्वाह मिलती है। बहुत से ज़रूरतमंद थे कि भाई इसी बहाने हमारी रोज़ी रोटी का एक ज़रिया बनेगा। लेकिन मेरे दादा जो थे मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब, उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। तो मस्जिद की उस ज़माने की जो कमेटी थी, उन्होंने कि भाई शहर में इतने लोग, ज़्यादा देखा जाए कि कौन से ऐसे मौलाना जिनकी एप्लीकेशन नहीं आई हुई। तो देखा गया, बहुत गौर फिक्र करने के बाद तो मेरे दादा कह रहे हैं कि भाई उनकी दरख्वास्त नहीं। उस ज़माने में वो काफ़ी फेमस हो चुके थे, तो लोगों ने कहा कि भाई जिनकी दरख्वास्त नहीं आई है उन्हीं को लो। तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई, तो उनको लिया गया, उनको इमाम बनाया गया। और 1927 से 1966 तक वो बराबर इस काम में, और उस ज़माने में वो चूँकि बड़े मुफ्ती थे और पूरे शहर के लोग उन्हीं से फतवा वगैरह लेते थे, तो मुफ्ती बनारस का लकब उनके में लग गया। उसके बाद फिर 1966 से लेकर 1986 तक मेरे वालिद साहब मुफ्ती अब्दुस्सलाम साहब नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस काम को देखते रहे। उनके इंतकाल जब हुआ जनवरी 1987 में, तो मेरे बड़े वालिद के बेटे थे मौलाना अब्दुल बासित साहब, तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को, दोनों जिम्मेदारियां एक साथ रहीं। फिर जनवरी 2002 में उनका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त से अब तक इन दोनों कामों को मैं अंजाम दे रहा हूँ। और आप लोगों की दुआएं हैं तो अच्छी तरीके से चल रहा है, आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो आइंदा भी इस तरह चलता रहेगा, और जब तक अल्लाह ने हयात रखी है, जिंदगी रखी है, तो ये चलता रहेगा। हम जब भी बनारस आते तो आपसे मुलाकात करते हैं। हम इसके शुक्रगुजार हैं कि आप किसी लायक समझती हैं और मुलाकात कर लेती हैं। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है और बड़ी खुशी की बात। जैसे आपने अपने इसका बताया, ये मस्जिद का एक थोड़ा सा इतिहास। मस्जिद का इतिहास देखिए, आमतौर से ये कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़वा कर ये मस्जिद बनवा दी, तो ये औरंगज़ेब के ऊपर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम और तोहमत है। सबसे पहली बात तो ये है कि औरंगज़ेब है, और मुग़ल बादशाहों के मुकाबले में औरंगज़ेब बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान थे, और इंसानियत नवाजी और खुदा से डर दोनों चीज़ें उनके अंदर थी। दूसरी बात यह कि इस्लाम के अंदर एक ज़ाब्ता बना हुआ है कि किसी की भी मंदिर को या इबादतगाह को या किसी की ज़मीन को नाजायज़ तरीके से हासिल करके उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनवाई जा सकती। अगर किसी ने ऐसे मस्जिद बनवा भी दी तो वो मस्जिद इस लायक है ही नहीं कि उसमें नमाज पढ़ा जाए। अब इन दोनों चीज़ों को सामने रख कर ज़रा ये लगा कि ये औरंगज़ेब कैसे ये काम कर सकते थे। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि औरंगज़ेब ने ये मस्जिद बनवाई, तो इसकी हकीकत ये है कि ये मस्जिद अकबर से भी पहले की है। उसकी असल फाउंडर उसका कौन है, तारीख़ की किसी किताब से आज तक जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन तारीख ही की कुछ किताबों से ये समझ में आया कि अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद थी। औरंगज़ेब ने पुरानी बुनियाद पर यह नया ढांचा खड़ा किया। औरंगज़ेब ने पुरानी बुनियाद पर नया ढांचा, जिसके सारी तारीखी किताबें और आज भी बहुत से ये सारी आग अंग्रेज़ों की लगाई हुई है, और अंग्रेज़ मुसन्निफीन ने अपनी हिस्ट्री में ये बातें लिख दी, तो जो यहाँ के फ़िरका परस्त लोग हैं वो उन्हीं को बेस बना के कहते हैं कि भाई ये फला किताब में ये लिखा। हालांकि इसी मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे तारीख़दान हैं जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन इंसाफ पसंद हैं, उन्होंने अपनी तारीख के अंदर बड़े खुल कर लिखा है कि ये औरंगज़ेब के ऊपर तोहमत है। और इन तारीख़दानों में सबसे सरे फहरिस्त जिस शख्सियत का नाम आता है वो डॉक्टर बी एन पांडे साहब हैं। वो बहुत ही इंसाफ पसंदी के साथ बड़े खुल्लम खुल्ला तौर पर उन्होंने उसका कंडम किया है और कहा है कि ये औरंगज़ेब के ऊपर बिल्कुल तोहमत है। उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं
कि फला जगह औरंगजेब ने ये कहा, फला जगह मंदिर बनवाई, फला जगह ये फरमान। और आज भी मैं आपके इस चैनल के थ्रू ये कहता हूँ उन लोगों से जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक कला भवन है, उस कला भवन के अंदर औरंगजेब के फरामीन फारसी जुबान में आज भी वहाँ मौजूद है, जो चाहे देख सकता है, उसका तर्जुमा करा सकता है फारसी जुबान में आज भी, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या किया। तो इन सब के रहते हुए अगर कोई इस तरीके की तोहमत लगाता है और इस तरह के प्रोपेगेंडा करता है, तो सिवाय इसके कि वो झूठ और गलत बयानी और नफरत का माहौल पैदा करता है, और कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस अब रमजान शुरू होने जा रहा है, बहुत ही इबादत का महीना है आपके लिए। ये हमारी दोस्त कह रहे कि इस मस्जिद की भी आप हिस्ट्री थोड़ा सा। इस मस्जिद की हिस्ट्री ये है कि देखिए, ये हमारे बड़े वालिद थे मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब, हम लोगों का पुराना मकान तो वहाँ पे है पार्क के पास। तो मेरे वालिद चार भाई थे, तो सबसे बड़े वालिद जो मेरे थे, तो उन्होंने अपनी हयात में अपनी ज़िंदगी में ये ज़मीन अलग से ले रखी थी, यहाँ से लेकर उस गली तक ये पूरी ज़मीन थी। तो उनकी तो उधर जो मकान बना हुआ है उनके, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिश जाहिर की कि जो पड़ती ज़मीन है उसमें से कुछ हिस्सा मस्जिद बनवा दी जाए, ये उनकी ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हो पाई, उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने वसीयत कर दी थी कि मेरे बाद ये मस्जिद बनवाई जाए। तो जनवरी 1986 में इसकी बुनियाद रखी गई और 4-5 महीनों के बाद इस लायक हो गई थी कि इसको नमाज शुरू कर दिया है। उसके बाद धीरे धीरे कई साल तक काम चलता रहा, लेकिन बुनियाद डालने के बाद से 4-5 महीनों के बाद ये नमाज इसमें शुरू हो गई, और इसमें सबसे पहली नमाज मेरे वालिद मुफ्ती अब्दुस्सलाम साहब ने पढ़ाई, और फिर एक साल वो इसमें नमाज इमामत उन्होंने की। उसके बाद 1 जनवरी 87 में उनका भी इंतकाल हो गया, उसके बाद से मैं सारा चल रहा है। ये है उस मस्जिद की मुख्तसर तारीख। इस मस्जिद का नाम मस्जिद इमाम अबू हनीफा रखा गया और इसी नाम से ये मस्जिद है। और अगर आपको कोई संदेशा देना हो देश के नौजवानों को, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिस्ती हो या बौद्ध हो, क्योंकि आपका बड़ा तजुर्मा है, आप नौजवानों को खुतबा पढ़ाते हैं, संदेशा देते हैं, तो हम चाहते हैं आप छोटा सा एक संदेशा दें। देखिए, नौजवान एक ऐसा सरमाया है, वो चाहे तो मुल्क को जहन्नम बना दे और चाहे तो मुल्क को जन्नत बना दे, ये ऐसी चीज़ है, ऐसा सरमाया है ये। तो मैं तो इस मुल्क के सभी नौजवानों से कि भाई ये मुल्क अमन व अमान का गहवारा, हर मज़हब के लोग एक ज़माने से ज़िंदगी गुजारते रहे हैं और अमन व अमान शांति का पैगाम इस मुल्क से जितना जाता है शायद किसी मुल्क से जाता हो। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये परंपरा, ये रिवायत बरकरार रखी जाए, अमन व अमान के को का गहवारा इस मुल्क को बनाया जाए, ताकि आने वाली जो हमारी नस्ल है वो इस मुल्क को अमन व अमान का गहवारा ही देखें, और फ़िरका परस्ती और एक दूसरे से नफ़रत ये कोई मज़हब भी नहीं सिखाता। तो अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हुए अमन, प्यार, मोहब्बत और भाईचारगी को सामने रख कर, इसी में मुल्क की तरक्की है। और जितनी ज़्यादा नफ़रत और यह दुश्मनी और एक दूसरे से दूरी का माहौल बनाया जाएगा, जैसा कि आजकल चल रहा है, नफ़रत की सियासत चली जा रही है और नफ़रत और लड़ाने की बुनियाद पर कुर्सियाँ हासिल की जा रही हैं, इख्तदार हासिल किए जा रहे हैं, तो ऐसी बदतरीन सूरत हाल शायद कभी नहीं आई थी। तो ये हमें मुल्क के मौजूदा नौजवानों से यही मेरी अपील है कि अमन व अमान भाईचारगी को तरजीह दी जाए, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाया जाए, ताकि हमारा मुल्क और ज़्यादा तरक्की की मंजिलों को तय कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है और शुक्रगुजार हूँ मैं।